गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस आज मैं आपको जो अपडेट दिखाने वाला हूं वो यहां सामने हड़ताली मोड़ बिहार म्यूजियम के पास बन रहे लोहिया पद चक्र फेज टू के काम का है, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है और यहां बहुत सारा काम पूरा भी कर लिया गया है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां क्या कुछ काम चल रहा है और कितना सारा काम यहां पे पूरा कर लिया गया है। तो आइए पहले इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूं इसके काम को। तो यहाँ म्यूजियम के पास जो अंडरपास बनाने का काम चल रहा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हो। यहाँ से जो अंडरपास का एंट्री या एग्जिट पार्ट होगा उसका काम इस साइड से पूरा कर लिया गया है और अब अंडरग्राउंड काम इसका चल रहा है। साथ ही बगल में सर्विस लेन का काम भी आप देख सकते हो जो दरोगा राय पथ की ओर चला जाएगा। और गाइस यहाँ के इंजीनियर ने बताया कि आगे हड़ताली मोड़ के पास अंडरग्राउंड जंक्शन बनेगा जहाँ से इस लोहिया पथ चक्र के तीनों हिस्सों का डाइवर्जन होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके डिज़ाइन में भी बदलाव किया गया है। सारी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यहां देख सकते हैं इधर दरोगा राय पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि इधर भी काम चल रहा है और नीचे अंडरग्राउंड रोड का भी काम किया जा रहा है। तो आइए मैं आपको सीधा उस फ्लाईओवर से इसके काम को दिखाने की कोशिश करता हूँ और साथ ही क्या रूट रहेगा इस लोहिया पद चक्र का वो भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो गाइज अभी मैं अटल पथ के इस फ्लाईओवर पर आ गया हूँ और आप यहाँ से इस लोहिया पथ चक्र के चल रहे काम को देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इस पथ चक्र को तीन हिस्सों में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट दरोगा राय पथ से लेकर यहाँ हड़ताली मोड़ तक 350 मीटर लंबा पुल बनाया जा चुका है जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा हिस्सा बोरिंग रोड में बुद्धा होटल से हड़ताली मोड़ तक 250 मीटर लंबा ब्रिज बनेगा जो दो लेन का फ्लाईओवर होगा और नीचे दो लेन की सर्विस रोड भी होगी। तीसरे पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहां देख लीजिए ये जो अंडरग्राउंड रोड का निर्माण चल रहा है ये इधर दरोगा राय पथ के तरफ निकलेगा और इधर दरोगा राय रोड के तरफ भी आप काम होता हुआ देख सकते हो। और यहाँ इस तरफ ड्रेनेज का काम भी किया जा रहा है, मैं आपको नीचे से भी इसके काम को दिखाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं तीसरे पार्ट की, तो वो इस अटल पथ के नीचे से एक पुल बनाया जाना है जो सामने बिहार म्यूजियम के पहले समाप्त हो जाएगा और ये करीब 100 मीटर लंबा होगा। और गाइज मुझे जो इस प्रोजेक्ट में अच्छा नहीं लगा वो है बोरिंग रोड में बनाया जा रहा पुल, जिसकी ज़रूरत तो है पर इसे बनाने के लिए यहाँ हड़ताली मोड़ से लेकर बुद्धा होटल तक जो पेड़ है उसे काट दिया जाएगा। पटना में ऑलरेडी पेड़ काफ़ी काटे जा रहे हैं जिसकी किसी को कोई टेंशन तो नहीं है। वैसे तो ऐसी कई सड़क हैं जहां प्लांटिंग किया जा सकता है जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, दानापुर सगुना मोड़ रोड और भी जो नई सड़कें बनाई जा रही हैं उस पर भी प्लांटिंग लगाया जा सकता है। वैसे गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर बात करूं इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की तो पेपर में तो बताया जा रहा है कि 2024 के मिड में ये काम पूरा हो जाएगा, बट आई थिंक ये 2024 लास्ट या 25 मार्च से पहले तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर आप यहां देख सकते हो ये रहा वो ड्रेनेज जिसका काम अभी किया जा रहा है और ये ड्रेनेज जो आप देख रहे हैं ये आगे दरोगा राय पथ वाले फ्लाईओवर से होता हुआ यहां तक आएगा। तो गाइज ये था पटना के हड़ताली मोड़ पर बन रहे लोहिया पथ चक्र के काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और गाइज जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा पटना से जुड़ी अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ फिर एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।